कैसा लगा चोरी करने के बाद? चोरी करने में थोड़ा अच्छा लगा, लेकिन बाद में पछतावा हुआ सर। अरे पछतावा हुआ क्यों? कि गलत काम कर दिया। ऐसा मिला कितना तुमको चोरी का माल? मिला था 10,000। 10,000 क्या किया 10,000 का? गरीब लोगों को बांट दिया। गरीब लोगों को बांट दिया गाय कुत्ता जिसको ठंड वंड लगता है अभी लोगों से पड़े रहते कम्बल कम्बल जो भी कम्बल सब बांटे सब चीज उसी में। ऐसा क्या अल्लाह का तुमको कुछ मिला होगा तुमको आशीर्वाद? उसी दुआ है तभी अभी। नहीं देखो गांजा, देखो गांजा कैसे लेते हो, कैसे पीते हो गांजा? भरने वाले नहीं आ रहे, भरने वाले हैं, भर के पीते हो। कितना गांजा पी लेते हो दिन भर में? दिन भर में थोड़ा बहुत। कितने गांजा पी लेते हो? 50 ग्राम, 10 ग्राम, 5 ग्राम? उतना भी नहीं पाते सर। कितना? मतलब 1-8 पी लेते हो। 8 पी लेते हो। कितना रुपया गांजा पीते हो डेली? 50 रुपये। 50 रुपया गांजा पीते हो? 50 का गांजा पीते हो। सिगरेट कितने का पीते हो? बीड़ी कितने का पीते हो? बीड़ी 5-6 रुपये। 6 रुपये का बीड़ी पीते हो, 50 रुपये का गांजा पीते हो। शराब कितने का पीते हो? दारू दारू नहीं पीते हो, केवल बीड़ी और गांजा। गांजा और बीड़ी के नशा में क्या अंतर है? नहीं तो गांजा क्यों पीते हो? गांजा में कुछ अलग नशा होता होगा? नहीं, वो शांत रखाता है। शांत रखाता है। और बीड़ी पी और क्या लगता है? बस ठीक है। दिन में पीते हो रात में पीते हो? दिन में ही पी लेते हो। कितने बजे? 6-7 बजे। 6 बजे सुबह उठते ही, नींद खुलते ही गांजा पीते हो? चलो गुड। शाम को ही पी जाते हैं। शाम को ही कभी पी लेते हो। चोरी गांजा पी के करते हो कि ऐसे ही करते हो? नहीं ऐसे ही करते। ऐसे ही करते हो। कितने वर्षों से चोरी के काम में हो? नहीं सर, ये पहली बार था। पहली बार कैसे हो? 4 चोरी तो अभी कर ली है, पहली बार बोल रहे हो? हाँ तो यही सर, अभी तो। चोरी करने की याद कैसे आई तुम्हें? चोरी करना चाहिए, गांजा पीने का शांति होती है बता रहे हो तुम, फिर चोरी करने का मन कैसे हुआ? सर बस। अरे कैसे हुआ कुछ बता, किसने बताया? प्लानिंग किसने किया है चोरियों का? अरे वो छोटा बच्चा नहीं था। अरे हाँ बताए, गांजा कहाँ से मिलता है? गांजा 18 नंबर था। 18 नंबर कहाँ? 18 नंबर क्या कुंडैया बोलते हैं सर। कुंडैया आज कुंडैया पे हो गई है, उसको पकड़ लिए। कुंडैया कुंडैया कब से बेच रहा है? नहीं पता सर, मैं बहुत दिन से मतलब ना। तुम कब से खरीद रहे हो उसे? 1 साल हो गया सर। 1 साल तुम खरीद रहे हो? 1 साल से खरीद रहे हो। कितने लोग आते हैं खरीदने उसके यहाँ? बहुत जन आते हैं। बहुत जन आते हैं। कितने? 50, 100, 200, 500? जब भी जाओगे भीड़ रहता है। जब भी जाओगे भीड़ रहता है, सुबह से लेके शाम तक। कितने बजे बेचना शुरू करता है वो कुंडैया? 5-6 बजे से चालू होता है। रात में कब तक चलता है? रात को चलता है वो, मतलब 8 बजे तक 9 बजे तक। 9 बजे तक चलता है। 9 बजे के बाद किसी को गांजा लेना हुआ तो क्या करते हैं? नहीं देते होंगे सर। नहीं देते? नहीं देते। और मिलता होगा फिर तो 9 बजे के बाद? हाँ, तुमको 9 बजे के बाद गांजा पीना है, क्या करोगे तुम? नहीं सर, फिर नहीं पीते हैं, या फिर लेके रखे रहते हैं। लेके रखे रहते हैं। कुछ गोली वोली भी खाते हो क्या? नहीं सर, गोली वोली नहीं खाते। तुम्हारे दोस्त खाते हैं क्या गोली? नहीं सर, कोई गोली नहीं खाते। गोली नहीं खाते हो, तुम गांजा पीते हो बस। और इसके पहले और कहाँ कहाँ चोरी की हो? इससे पहले और कहीं नहीं। रहने वाले कहाँ के हो? यही सुपेला सर। सुपेला के रहने वाले। काम क्या करते हो? ललित कबाड़ी में काम करते हो तुम तो यार। तुम तो मिक्स हो हर चीज के, कबाड़ी प्लस गांजा प्लस चोरी। हाँ हाँ, ललित कबाड़ी कैसे कैसे काम करते हो? एक साल हो गया। ललित कबाड़ी कैसा काम करता है? नहीं मतलब महाजन उठाते, टीना विना चोरी का उठाते हैं। कहाँ से? कबाड़ी सर। चोरी का माल लेते हैं क्या वो ललित कबाड़ी वाले? नहीं पता सर। अरे तुम काम ही करते हो? कबाड़ी से लाते हैं ना सर हम लोग। छोटे कबाड़ी से लाते हो तुम लोग? हाँ सर। छोटे कबाड़ी कहाँ से लाते हैं? अजमत हो गया, बहुत जगह हो गया सर। क्या चीज? अजमत कबाड़ी हो गया, सितारे कबाड़ी हो गया, दिलीप कबाड़ी हो गया, ललित कबाड़ी हो गया, छोटा वाला। छोटा सब इधर उधर से। कितने कबाड़ी को जानते हो तुम? मैं 5-6 कबाड़ी जानता हूँ। 5-6 कबाड़ी को जानते हो। कौन कबाड़ी अच्छा है, कौन गड़बड़ है? एक क्या बोलते हैं, अजमत ठीक है भैया, ये सितारे के पास आता है माल। माल किस तरह का माल आता है? चोरी वोरी वाला। चोरी वोरी क्या क्या चोरी का माल कराते हैं वो लोग? वही बस आता है। लोहा आता है? लोहा कहाँ से लाते हैं चोरी करके? क्या बताऊँ, हम लोग कहाँ से लाते हैं? बात तो करते हो, तुम काम करते हो ललित कबाड़ी में? हम लाते हैं, अब उठाते हैं, गाड़ी में डालते सर, डालते हो। हाँ। क्या रुपए लेते हैं चोरी का लोहा? नहीं बता अभी, कितने में बेचते क्या करते हैं। तुमको महीने का कितना देता है कबाड़ी? महीने का नहीं, हफ्ते का देते हैं। कितना देते हैं हफ्ते का? हफ्ते का 2500 सर। 2500? अच्छा, 10,000 अच्छा मिलता है। 10,000 में तुम्हारा 3-4 हजार तो गांजा में निकल जाता होगा। कम ही जाता है सर। कम ही जाता है, 1.5-2 हजार में हो जाता है। शादी वादी किए हो? नहीं सर। क्यों? उम्र नहीं हुआ। कितना उम्र है? तो गांजा पीने का उम्र हो गया तुम्हारा और शादी का उम्र नहीं हुआ। तो ये सब चोरी में थे तुम? हाँ सर। टोटल कितने लाख का चोरी के तुम लोग? नहीं पता सर।
अरे तो चोरी के तो बेचे कहाँ चोरी को, इसके पास चलो आएगा इसकी बारी, तुम तो पीछे हो जाओ। जुआ इधर आओ, जुआ खेलते हो, सट्टा खेल लगाते हो, जुआ खेलते हो, कहाँ खेलते हो? कहीं भी खेल लेते सर, जहाँ खिलाते रहते। कहाँ कहाँ खिला रहे हैं अभी आजकल? अभी तो नहीं पता सर, मैं तो यहीं हूँ, एक हफ्ता हो गया। अरे एक हफ्ता तो यहाँ, एक हफ्ते के पहले कहाँ खेलते थे? एक हफ्ते के पहले कहाँ खेलते थे? पहले सर वहाँ पे क्या बोलते हैं, कचरा भट्टी नहीं है, कचरा भट्टी वहाँ पीछे जंगल है, जंगल है। वहीं कितने लोग खेलने आते हैं? वहाँ बहुत लोग आते हैं। कितने? 30-40-50-100 मतलब 25-30 लोग तो रहते हैं, डेली आते हैं। डेली कितने बजे तक खेलते हैं? मतलब ना 1 बजे चालू होता है सर, शाम तक चलता 5-6 बजे। कोई डर नहीं है उन लोगों को, पुलिस आ जाएगी? नहीं, जो खेलने वालों को डर नहीं लगता है? तुम खेलते हो, डर नहीं लगता पुलिस आ जाएगी पकड़ लेगी? भागते सर। भागते हो? कैसे भागते हो? साइकिल से पैदल भागते हो, बाइक रखते हो? नहीं, पैदल भाग जाते हो। जंगल में खिलाते हैं ना, दो उन लोगों को रास्ता रास्ता ही पता है, रास्ता वास्ता सब पता है, उधर संतरी वंतरी लगा के रखते हो, बोलते हैं चलो इधर से चलो इधर से चलो, जैसे पता तो चलता है तुम लोगों को। हाँ हाँ हाँ, ऐसा है। कभी पुलिस से पकड़ा है क्या जुआ खेलने वाले? नहीं नहीं पता सर। कब कौन खिलाता है, मालिक कौन है जुआ का? अरे तुम खेलते हो या तो मालूम ही नहीं कौन? कभी कभी जाता हूँ सर। तुम जाते हो, कितना लगाते हो तुम पैसा? खेल लेता हूँ सर 5-10 हजार। 5-10 हजार 15 हजार? अरे भाई मैं बहुत कम जाता हूँ। 15 हजार लगाए थे तो तनख्वाह भाई 2.5 हजार ही है, एक बार मिलती है हफ्ता का, तो 15 हजार कहाँ से आता है? नहीं ये किए थे तब बता रहा हूँ, ये किए थे तब। ओहो, तुम्हें कितना पैसा मिला ये करने पे? ये मिला था हम लोग को 65 हजार दिए थे। 65 हजार तुमको दिए थे? चलो अच्छा दिए। 65 हजार किए क्या तुम? हमने सब बात। तुमको कितना मिला उसमें? वही 15-16 हजार। 15-16 का जुआ खेल लिए तुम एक ही दिन में, मतलब काम ही तमाम हो गया। चलो पूछो। हाँ, सब हिंदू मुस्लिम एकता है, देखो इसमें सब एक है। क्राइम में कोई कोई सांप्रदायिकता नहीं है। खान साहब, तो आप कब से चोरी के पेशे में? दोस्त यार का झगड़ा हो गया था, बोले भाई का। हाँ, मैं साथ में चल गया सर। साथ में चल रही है? वापसी में जब आया ना, मैं आगे निकल गया, लोग घर में कूद के, घर में कूद के कर लिया। तुम फंतरिया काम कर लिया, साथ में चल गया। इन लोगों को देखते 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 कैसे होता है, देख लेता हूँ। चल गया मैं, चल गए तुम भी। कैसा लगा चोरी करने बाद? चोरी करने में तो अच्छा लगा, बाद में पछतावा हुआ सर। अरे पछतावा हुआ क्यों? गलत काम कर दिया। ऐसा मिला कितना तुमको चोरी का माल? मिलेगा 10 हजार। 10 हजार? क्या किया 10 हजार का? गरीब लोगों को बांट दिया। गरीब लोगों को बांट दिया? कहाँ पे? गाय कुत्ता जिसको ठंड वंड लगता है, खाली लोगों से पड़े रहते हैं, कम्बल कम्बल जो भी कम्बल उम्बल सब बांटे, पैसा ये सब चीज उसी में। ऐसा क्या अल्लाह का तुमको कुछ मिला होगा तुमको आशीर्वाद? उसी दुआ है तभी तभी हो है, तो अल्लाह में बहुत ताकत है, बात तो है। तुम तो देख के ही नशे वाले लगते हो, तो लीवर भी खराब हो गया, पेट निकल रहा है, मैं बता रहा हूँ, जांच करोगे लीवर खराब निकली। लीवर खराब है ना, देखा? मैं देख के बता देता हूँ किसका लीवर खराब है, किसका किडनी खराब है। मैं आपको क्या बोल रहा था, मैं तुझे बाबा बन गया ना अभी चुनाव में। लीवर खराब कब से? एक साल पहले से डॉक्टरी चल रहा है। बाकी डॉक्टर तो टेस्ट करके बताते हैं, मैं देख के बता देता हूँ, ठीक है? कौन कौन सा नशा करता है और किसकी कौन सी बीमारी है। आप क्या करते हो? जेवर बनाने का और रिपेयरिंग का काम। हाँ, रिपेयरिंग तो कराने का काम तुम ही करते हो? नहीं, वो काम लालच में से। लालच तो मुझे मालूम है, कहानी मत सुना मुझे लालच। कब से का काम कर रहे हो ये? फर्स्ट टाइम ही किया सर। फर्स्ट टाइम कहाँ से करोगे? तुम उड़िया हो क्या? बंगाली सर। बंगाली उड़िया एक आवाज है, समझ कारीगर सोने के सब बंगाली है। उधर ही होते पूरा खैरागढ़ का तुम ही करते हो चोरी का? पूरे खैरागढ़ दो बिलासपुर तुम ही करते हो? वो तो देख के ही लग गया मुझे करते हो। ये टी शर्ट ये कहाँ से लिए भाई? ब्रेक द रूल ऑनलाइन में देखा था, पसंद आ गया था। पसंद तो आएगा ही। 11-12 बजे शुरू हुए, 3 घंटे के अंदर कोशिश किए, चोरी हो गया, सामान मिल गया, आ गए। चोरी करके आए, फिर क्या करते थे चोरी का सामान का? रखे रहते थे, फिर सुबह बंटवारा करते। बंटवारा कैसे करते थे? चारों जन मिल के बांटते थे, थोड़ा सोना बांट लिए, सामान बांट लिए। मैं सोना नहीं बांटते थे, पैसा बस बांटते थे। पैसा बांटते थे, सोना क्या करते थे? रखे रहते थे अपने, रखे रहते थे। उसको फिर क्या करते थे भाई? इन लोगों को बेचते थे, इन लोगों को देते। इनका क्या बताया?
तो उनके दोस्त थे लंबू, मतलब मेरे को बताया क्या बताया ये चोरी का माल खपाता है बताया करके कौन वो सर लंबू लंबू जो बीच का एजेंट जो है वो हम लोग गए उसके पास क्या बोला वो हम लोग दिखाया उसको सामान को हम लोग बताए भी कि चोरी का माल है करके तो बोला हाँ मैं बेच दूंगा मेरा हिस्सा देना पड़ेगा हम लोग बोले ठीक है तो 1.5 लाख का सामान कुछ बेचे थे सर तो उसमें से हम लोग को 62,000 दिए 1.5 लाख में 65,000 तुम लोग को दिए और बाकी सब और 1 लाख जो है वो लोग खा गए और ये सर ने तांबा सोना को तांबा बना देता था सर ऐसा सोना को तांबा कैसे मिला देता है तांबा में सोना मिला देता ओ तांबा में सोना मिला के सोना बना के बेचता है इस तरह के गड़बड़ काम भी करते हो तो सर अभी है कैसे हो पाएगा बहुत बेवकूफ बनाता था सर ऐसा बोल रहे मुझे बेवकूफ समझाया क्या तुमने तुम्हारा लीवर देख के समझ में आया कितने बदमाश हो तुम।